हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्लास इन द प्रिम्स लॉकडाउन सीरीज। अब आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ बजट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ बजट में सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कुछ बजटरी टर्म्स के बारे में, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। इनफैक्ट हम लोग बजट भी डिस्कस करेंगे और बजट के लिए हम लोग अलग से एक सेपरेट क्लास बना लेंगे, करंट अफेयर्स में देख लेंगे उसको। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि बजट में होता क्या है, तो बजट को बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बजट का नाम कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, इसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये दिया गया है अपने आर्टिकल नंबर 112 में। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। दिस डॉक्यूमेंट कंप्राइज द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड बजट ईयर इन थ्री सेपरेट पार्ट्स। तीन चीजें होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। हमारे पास तीन फंड भी होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, इन सारे फंड के बारे में देखेंगे जब हम लोग पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे होंगे। वहां पर अगेन हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, किसके निगरानी में होता है, पैसा कैसे निकलता है, किसकी मर्जी से निकलेगा, कौन साइन करेगा, सब चीजें हम लोग देखेंगे जब हम लोग करेंगे बात। सेकेंड जो टर्म होती है उसको बोला था आर्टिकल नंबर 13, डिमांड फॉर ग्रांट। मतलब कि ग्रांट के लिए जो डिमांड की जाती है किसके द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, कि भैया हमारे पास पैसा खत्म हो गया, हमको पैसा दे दो। यहीं पर आता है एक स्पेशल केस जिसको बोला था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। और ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये इशू उठा था किसके लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, जब आंध्र प्रदेश का डिवाइड किया गया था। क्या इशू है हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करेंगे क्या चीज है। द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंटेड इन लोकसभा इन द फॉर्मेट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट, मिनिस्ट्री वाइज डिमांड फॉर ग्रांट आर प्रेजेंटेड टू लोकसभा। अब जैसे क्या होती है, एक तो हो गया जो सेंटर जो होती है वो मतलब स्टेट को ट्रांसफर कर रही होती है, और दूसरा होता है सेंटर में भी वेरियस मिनिस्ट्रीज होती हैं। ये वेरियस मिनिस्ट्रीज भी अपना कितना पैसा किसको किसके कितना देना है, ये भी क्या हो जाता है ग्रांट के फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये हो जाती है आर्टिकल नंबर 113 में। इसके अलावा देखिए हमारे पास दो तरीके के बिल आते हैं, एक होता है जिसको अप्रोप्रिएशन बिल बोला जाता है और दूसरा होता है जिसको फाइनेंस बिल बोला जाता है। तो अप्रोप्रिएशन बिल में बेसिकली हम लोग एक्सपेंडिचर रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं, दिस इज एक्सपेंडिचर रिलेटेड। क्लियर हो गया, ये सब आता है मनी बिल के अंतर्गत, मनी बिल के अंतर्गत। और मनी बिल दिया गया आर्टिकल नंबर 110 में, बात करेंगे हम लोग जब पॉलिटी बात करेंगे। तो दिस आर्टिकल 114 सब क्लॉज 3 स्टिपुलेट दैट नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट इनएक्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल के बाद ही हम लोग इसका काम कर सकते हैं। दूसरी होती है इसको बोलता है फाइनेंस बिल, ये हो जाती है पूरी की पूरी इनकम बेस्ड, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया। ये भी एक तरीके की क्या है, मनी बिल है, एक तरीके की मनी बिल, या इसी को फाइनेंस बिल भी बोला जाता है। आर्टिकल नंबर 110 सब क्लॉज ए में आती है। इट इज टू प्रेजेंट एंड इनएक्ट टू इनएक्ट द लॉ फॉर इम्पोजिशन एबॉलिशन रेमिशन अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, यानी क्या हुआ, इनकम हो रही है, ठीक है, प्रपोज्ड इन द बजट। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब इसके बाद जरा देखते हैं हम लोग बजट में कुछ डेफिसिट्स, मतलब घाटा, ये घाटा क्या चीज है ये हम लोग जरा देखना शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि डेफिसिट अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस, जब भी आपका खर्चा जो होती है वो ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, जब इनकम आपकी कम है खर्चा ज्यादा है तो उस समय आ जाती है डिफिसिट्स। तो इंपोर्ट जब भी एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है, मतलब कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं इनकम से, तो अगेन क्या हो जाएगी, वो एक डिफिसिट में आ जाएगी। या फिर लायबिलिटी जब भी बढ़ जा रही होती है तो उसमें आ जाता है हमारा डिफिसिट। अगर हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू डिफिसिट के बारे में, रेवेन्यू डिफिसिट मतलब वो डिफिसिट जो वन ईयर के लिए, कम से कम मिनिमम वन ईयर के लिए है। अब डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी कि हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू हमारा सरप्लस में है। अगर ये वैल्यू निगेटिव में आती है तो हम लोग किस में है, डेफिसिट में है। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन ये उठता है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, मतलब कि बढ़िया चीज है या गड़बड़ चीज है। अब देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट में, रेवेन्यू डेफिसिट में आपने कोई एसेट क्रिएशन तो किया नहीं है, आपने केवल और क्या किया है, पर ईयर का आपने खर्चा निकाला है। अब पर ईयर का खर्चा अगर निगेटिव में जा रहा है, मतलब आप अपने सैलरीज को देने के लिए, सब्सिडीज को देने के लिए या कुछ भी करने के लिए अगर आप लोग निगेटिव में कोई काम कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर इकोनॉमी, दिस इज नॉट सस्टेनेबल फॉर इकोनॉमी, ठीक है। कहीं ना कहीं जो होती है आपको मैनेज करने की जरूरत अगेन आ जाती है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
ठीक है, तो ये चीज हो जाती है रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में, तो ये हो जाती है नॉन डेफिसिट। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या रिवेन्यू डेफिसिट को निगेटिव में होना चाहिए, कहेंगे आप नहीं, इसको निगेटिव में नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर स्टेट्स के बारे में बात करें तो स्टेट्स के लिए तो ये बिल्कुल जीरो होना चाहिए, मतलब जितना इनकम उतना एक्सपेंडिचर। चलिए ठीक है, सेंटर के लिए तो मान लेते हैं दो पल के लिए कि उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा है, थोड़ा मोड़ा निगेटिव उनका चलता है, लेकिन ये हम लोग इनफैक्ट बात भी करेंगे जब हम लोग बात करेंगे एफआरबीएम एक्ट, उसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर रिवेन्यू डेफिसिट का फंडा क्या है और निगेटिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए। क्लियर हो गया क्या चीज है? अभी एक आइडिया आप लोग को दे ही दिया गया है। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, आप जरा यहां ध्यान से सुनिएगा, पहले आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। इट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू डेफिसिट एंड क्रिएशन ऑफ असेट कैपिटल असेट्स। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा ये इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है इसका मतलब क्या है। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, अब देखिए इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब सबसे पहले तो रिवेन्यू डेफिसिट ही देख लीजिए। हम लोगों ने देखा है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, ये होता है जो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट होती है। क्लियर हो गया? अब इस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर बात किया जाए क्या क्या चीजें थी, एक तो हम लोगों ने जो सब्सिडीज वगैरह दिया ही था, इसके अलावा सैलरी वगैरह दिया था, इसके अलावा लोन में जो इंटरेस्ट आया था, लोन इंटरेस्ट जो आया था वो हम लोगों ने पे किया हुआ था, और इसमें एक और चीज थी जो हम लोगों ने ग्रांट टू स्टेट्स दिया हुआ था। क्लियर हो गया? ग्रांट टू स्टेट्स, ये जो है वो क्या हो गया, आंतरिक मामला है। क्यों? क्योंकि ये मामला ऐसा है जहां पर हम अगर अपना खर्चा स्टेट को भी देंगे तो कहीं ना कहीं वो सिटीजन तक ही पहुंचने वाला है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो हमारे लिए ये घातक होगा, क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जो रेशनलाइज किया जा सकता है, जिसको हम लोग मतलब देख सकते हैं, चीजें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये मैनेज वाली चीज नहीं है, क्योंकि स्टेट वाले लोगों को अगर पैसा हम नहीं देंगे तो ये हमारे फेडरल पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा। दिस इज फेडरल पॉलिसी के अगेंस्ट, मतलब जो हम लोगों ने फेडरेशन बना के रखी हुई है उसके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि स्टेट फिर सस्टेनेबल नहीं रहेंगे और ये कहा जाएगा कि सेंटर अब डोमिनेट करना शुरू कर दिया है स्टेट के ऊपर में, सेंटर अब तानाशाह बनने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली अगर मैं इस वाले टर्म को इस रिवेन्यू डेफिसिट से हटा दूं तो हमारे पास जो भी चीज, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, क्या उसे अब जीरो होना चाहिए? बिल्कुल। जैसे अगर मैं इस रिवेन्यू डेफिसिट में से अगर मैं ग्रांट्स टू स्टेट हटा देता हूं, ग्रांट्स टू स्टेट्स अगर हटा देता हूं, अब इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, और ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू हमेशा जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर अब जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि आपका इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, उसको आपस में बैलेंस कर देना है। स्टेट वाले का केस क्या है, स्टेट वाले से आप एक्स्ट्रा पैसे अगर दे भी देते हैं तो कहीं ना कहीं वो वेलफेयर के लिए ही काम आने वाला है, तो अच्छी चीज है, तो दिस शुड बी जीरो, ऐसा बोला गया। क्लियर? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का सिग्निफिकेंस समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल इनकम माइनस ओवरऑल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या चीज है यहां पर, यहां पर रिवेन्यू अकाउंट माइनस रिवेन्यू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर क्या था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू इनकम, ये दोनों चीजें मिला करके माइनस कैपिटल, मतलब कि यहां पर क्या है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर मतलब रिवेन्यू इनकम हो गया और कैपिटल रिवेन्यू हो गया, कैपिटल रिवेन्यू, और यहां पर क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल, सॉरी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब ये हो जाती है फिस्कल डेफिसिट। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो भी हम लोग डेब्ट क्रिएटिंग होती है, डेब्ट क्रिएटिंग, उसको हम लोग यहां से हटा दे रहे होते हैं, तो वो चीज हो जाती है फिस्कल डेफिसिट, ये हो जाती है हमारी फिस्कल डेफिसिट। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये आपको एक फॉर्मूला के फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, बाकी इसकी थ्योरी क्या है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट व्हाट अर्न्स, मतलब इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग नॉन डेब्ट कैपिटल क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो नॉन डेब्ट होती है उसको हटा दिया जाता है, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट वगैरह हटा दिया जाता है, तो कैपिटल रिसिप्ट और नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में से टोटल एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। बजट डेफिसिट क्या होती है, उस साल के लिए, मतलब ऑन फॉर दैट ईयर जो भी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होने वाला है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बजटरी। ठीक है, दिस शुड बी जीरो, ये हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो फिर कोई गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ है, मैथ्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो आपने एस्टिमेट किया हुआ है,
ये तो हमेशा जीरो होनी चाहिए, जितना इनकम उतना एक्सपेंडिचर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल बजटेड रिसीप्ट एंड टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर, तो ये वैल्यू आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा प्राइमरी डिफरेंस, पीडी इसको बुलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट में क्या निकाला गया है, इसमें निकाला गया है जितना भी हमारा राजकोषीय घाटा, मतलब कि ओवरऑल जो भी हमें घाटा हुआ है, जो भी हमें नुकसान हुआ है, तो दिस इज घाटा। लेकिन यहां पर जुड़ा क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। और ये इंटरेस्ट पेमेंट तो हम लोगों की पुरानी करनी है, पुरानी करतूत है, पुरानी गलतियां हैं, जिसको हम लोग बोझ के रूप में आगे लेकर के चल रहे हैं। तो जो बोझ के रूप में आगे लेकर के चलेंगे, तो हमेशा वो सरकार अपने आप को बचाती फिरेगी कि देखो इस बार का हमारा फिस्कल डेफिसिट निगेटिव या कमी या घाटा इसीलिए ज्यादा निकल के आया है क्योंकि हम लोगों ने पुरानी गलतियां, पुरानी सरकार ने गलती कर रखी है, कांग्रेस ने गलती कर रखी है, 70 साल का हिसाब है ये। तो इस तरीके की चीजों से बचने के लिए, इस तरीके के एक्सक्यूजेस को, इस तरह के एक्सक्यूजेस से बचने के लिए निकाला जाता है प्राइमरी डेफिसिट। जैसे क्या है, आप लोग भी बोलते हैं कि भाई कल को लाइट नहीं थी, कल को ये चीज, कल को कोरोना हो गया था इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। कोरोना से भाई आपको क्या करना है, गोरखपुर में कोरोना का केस नहीं है, एंड वाई आर यू नॉट स्टडिंग देन। तो अब आप इस तरीके की चीजें जो होती है एक्सक्यूजेस से बचने के लिए, मैं भी निकालूंगा एक प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या हो जाती है, जो भी आपका फिस्कल डेफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माफ कर दिया जाता है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दिया जाता है। अब ये बन गया क्या, प्योरली आपने दिन भर में क्या पढ़ा, मतलब कि प्योरली आपने उस ईयर में क्या किया है, ये निकल गया प्राइमरी डेफिसिट। और ये जीरो होना चाहिए, मतलब ये कभी निगेटिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव वाली चीज इंटरेस्ट पेमेंट, पुरानी गलतियां हैं, बाकी हमें मैनेज करके चलना है, यानी प्राइमरी डेफिसिट को जीरो करना है। क्लियर हो गया क्या चीज है, सारे डेफिसिट का फंडा क्लियर हो गया, सारे डेफिसिट का सिग्निफिकेंस भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल अगेन यहां पर था, सिग्निफिकेंस काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से इसे रिपीट करके देख लीजिए, रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो हमारा इतना सारा रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, ये सारे जो डेफिसिट हैं इनको पूरा कैसे करें भाई। चलिए ठीक है, जो सरकार ने गलती की जैसे भी की, उसको अब हम लोग सुधारें कैसे, कैसे सुधारें, कैसे सुधारें। देखिए फाइनेंस ऑफ गैप बिटवीन गवर्नमेंट डेफिसिट एंड एक्सपेंडिचर, इसी को बुलाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब इन पूरे चीजों को, डेफिसिट को मैनेज करना ही डेफिसिट फाइनेंसिंग कराती है। अब यहां पर ऑप्शन क्या है, सीधी सी बात है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज योर इनकम, इनकम को ही इंक्रीज करेंगे तभी ना आपका ये डेफिसिट कम हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम यही ना आपका डेफिसिट घाटा बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर को घटाना पड़ेगा। दिस ये अब घाटा, कुछ चीजें होती है जो एक्सपेंडिचर आप कभी कम नहीं कर सकते हैं, बट आप उसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब जो ये तरह तरह की जो सब्सिडीज वगैरह दी गई है इसको हम हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन इनकम को आप बढ़ा सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। कि आप इनकम को किस तरीके से बढ़ाना है, कैसे करना है, ये हम लोग देखेंगे आगे। तो यार हमारे पास क्या आ जाता है, हाउ डज गवर्नमेंट मैनेजेस इट्स डेफिसिट, फर्स्ट थिंग मोनेटाइज्ड डेफिसिट, किस तरीके से डेफिसिट को मोनेटाइज करेगा इसके बारे में है। दूसरा है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये क्या चीज है देखेंगे हम लोग अभी। और तीसरी होती है जो अदर वेज होती है। अब जरा तीनों के बारे में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मोनेटाइज डेफिसिट आती है। मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बोरोइंग मेड फ्रॉम आरबीआई। अब जैसे क्या है, मैंने आप लोग को डे वन बताया था कि दिस इज आवर इकोनॉमी, ये हमारी इकोनॉमी है, जहां पर क्या क्या हो जाती है, पब्लिक हो जाती है, बैंक हो जाती है, गवर्नमेंट हो जाती है, अदर चीजें भी हो जाती हैं, ठीक है, और एक बाहर की संस्था होती है जिसको बुलाता है आरबीआई। दिस आरबीआई वॉचेज ओवर पब्लिक बैंक एंड ऑल दैट, जितनी भी चीजें होती है, तो ये वॉच आउट कर रही होती है। वॉच आउट करने का मतलब एक तरीके से मॉनिटर कर रही होती है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो पापा तैयार है, दिस इज पापा, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम तैयार बैठे रहेंगे। तो अब क्या होता है, यहां पर क्या हो गया है, डेफिसिट हो गया है भाई, पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे, पापा के पास जाएंगे, पैसा मांगेंगे, तो दिस इज पैसा मांगना, ठीक है। अब यही हो जाती है मोनेटाइज डेफिसिट, कि बोरोइंग मेड फ्रॉम आरबीआई थ्रू प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी। अब इनके पास भी पैसा कहीं पेड़ से तो लगेगा ही नहीं, लेकिन इनके पास क्या है, ऑप्शन है प्रिंटिंग द मनी, प्रिंटिंग द मनी। हालांकि दिस इज द लास्ट ऑप्शन, कभी नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है हम लोग देखेंगे, लेकिन ये कभी नहीं किया जाता है, बट स्टिल क्यों होती है, देयर इज ऑलवेज अ ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग द मनी,
एंड दिस इज कॉल्ड एज हाई पावर मनी, इसको बोला था हाई पावर मनी। इनफैक्ट यहीं पर आप लोग एक टर्म लिख लीजिएगा, हेलीकॉप्टर होवर, हेलीकॉप्टर होवर ऑफ मनी। ठीक है, क्या चीज होती है देखेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट होता है एफआरबीएम एक्ट, दिस अलाउज आरबीआई टू डू दिस अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो एफआरबीएम एक्ट हम लोगों ने 2003 में बना के रखा हुआ है, और ये जो होती है आरबीआई को ये काम करने से, हेलीकॉप्टर होवरिंग करने से या फिर प्रिंटिंग करने से रोकती है। क्या चीज होती है हम लोग देखेंगे फिलहाल, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि मोनेटाइज डेफिसिट जो होती है वो आरबीआई से पैसा लेना है, दिस इज आरबीआई से पैसा ले लेना। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये तरीका हो जाता है जो मोनेटाइज डेफिसिट का हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो होता है वेज एंड मींस एडवांसेस के बारे में। वेज एंड मींस एडवांसेस का मतलब होता है कि आरबीआई ऑफ आरबीआई गिव्स टेम्पररी और लोन फैसिलिटी टू द सेंटर। अगेन ये हमारी इकोनॉमी हो गई, दिस इज आवर इकोनॉमी, और बाहर में आ गया हमारा आरबीआई। तो एक ऑप्शन था कि हम सीधे सीधे इनसे पैसा मांग लिए थे, ये तो हो गया मोनेटाइज वाले साइड में। दूसरी होती है जहां पे वेज एंड मींस एडवांसेस के फॉर्मेट में होती है, दिस इज एडवांस, मतलब आज पैसा दे दो कल हम दे देंगे। अब इसका मतलब क्या है, आरबीआई गिव्स टेम्पररी लोन फैसिलिटी टू द सेंटर एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट अंडर अगेंस्ट एडहॉक ट्रेजरी बिल। मतलब क्या है, एक तो तरीका यह है कि जहां पर आप लोन के फॉर्मेट में पैसा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा एक तरीका होता है जहां पर आप क्या करते हैं, पापा होंगे अपने घर के लेकिन फिलहाल क्या है, बिजनेस करेंगे, हम भी बिजनेस करेंगे। अब ये बिजनेस कैसे करेंगे, सरकार कहेगी यहां पर, गवर्नमेंट कहेगी कि ऐसा है आरबीआई, तुम मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आप एक काम करिए पैसा दे दीजिए। आरबीआई बोलेगी तुम यार बिजनेस करने आए थे, अभी फिर से यार जमीन पे गिरना शुरू कर दिए। तो आरबीआई गवर्नमेंट कहेगी नहीं नहीं हम बिजनेस ही कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्रेजरी पेपर, मैं आपको एक बॉन्ड पेपर दूंगा, बॉन्ड पेपर दूंगा जिसपे ये लिखा रहेगा कि आप 100 रुपए देंगे तो हम कल को 150 रुपए देंगे। आरबीआई कहेगा यार बहुत तगड़ा स्कीम है यार, मजा आ गया। तो आरबीआई ने तुरंत के तुरंत इस बॉन्ड पेपर को खरीद लिया और तुरंत के तुरंत इनको जितनी भी पैसे की जरूरत थी वो पैसा का पैसा रिलीज कर दिया। इस बॉन्ड पेपर को ही बोला जाता है एडहॉक ट्रेजरी बिल। क्या चीज होती है हम लोग जब आगे बात करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ट्रेजरी बिल वगैरह के बारे में, कॉल मनी मार्केट सब चीजें बात करेंगे क्या चीज होती है। तो गवर्नमेंट अगेंस्ट एडहॉक ट्रेजरी बिल इस तरीके से चीजें ले ली गई, देयर इज नो कोलेटरल, कोई भी कोलेटरल दिया गया क्या इस मनी के लिए, केवल और केवल आपने क्या किया है इस बॉन्ड पेपर को ही दिया है। और बॉन्ड पेपर क्या हो गया, सरकार के प्रति एक ट्रस्ट है ये, कोई अलग से आपको जमीन देने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो कोलेटरल बट पीनल इंटरेस्ट रेट इज चार्ज्ड, इनकेस अगर नहीं होते हैं तो पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि दिस इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस, या इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी, या इसी को बोलते हैं जी सिक्योरिटी। ये सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन खैर नाम नाम आप लोग जान लीजिए, नाम नाम देख लीजिए। क्लियर हो गया क्या चीज है? इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ WMAs, दो तरीके के स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। एक हो जाता है जो नॉर्मल WMA होता है, जैसा कि ऊपर वाला केस है, अनसिक्योर्ड एडवांसेस एक्सटेंडेड एट बैंक रेट, स्पेशल WMAs आर एक्सटेंडेड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दूसरी होती है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट होती है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा जो तरीका होता है वो आता है अदर वेज में क्या हो जाती है, अदर वेज में क्या होती है कि जैसे दिस इज इकॉनमी और सरकार के पास जब पैसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसी इकॉनमी से ही पैसा रेस करने की कोशिश करती है। कैसे रेस करेगी, जो आम पब्लिक है, मतलब कि कंट्री, मतलब कि हमारी इकॉनमी के बाहर आरबीआई से बिजनेस नहीं करेंगे, हम अंदर ही अंदर बिजनेस कर लेंगे। मतलब ये ट्रेजरी पेपर या बॉन्ड पेपर दे दिया जाएगा जनता को और जनता जो है अपना पैसा जमा कर देगी सरकार के पास। तो ये भी तरीका अपनाया जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के लिए। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो हम लोग बाकी आगे डिटेल में देखेंगे जब हम लोग शेयर मार्केट वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये क्या चीज है। आगे आता है हमारा एफआरबीएम एक्ट। तो देखिए एफआरबीएम एक्ट मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहां नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपका जो 2 PM वाली वीडियो होती है क्वेश्चन आंसर की, उससे पहले ये आपको पब्लिश हो जाएगी, तो आप इसको वॉच आउट कर लीजिएगा, देन 2 PM की वीडियो देखिएगा। अच्छा, 2 PM की वीडियो के लिए मेरे पास कई लोगों ने फोन किया था और मैसेजेस वगैरह भी किए थे, कहा था कि जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर अगर मुझे पहले अवेलेबल हो जाए तो मैं इसको पहले से सॉल्व करके तब उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मुझे भी एकदम सही आइडिया लग रहा है, तो एक काम करेंगे, अभी मैं 11 AM तक आपको ये सारी की सारी जितनी भी PDFs है, मतलब की पर डे की, वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मतलब की वॉच द वीडियो, वॉच द क्लास एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन, और उसके बाद से हम लोग वही 2 बजे मतलब उसका डिस्कशन कर लेंगे। तो एफआरबीएम एक्ट के बारे में, जिसको बोला था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आई थी,
ठीक है, इसके डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए मैं सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अगेन, तो उसमें ही हम लोग सारी बातें कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो हम लोग इसको सेपरेट डिस्कशन करते हैं जब हम लोग डिटेल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक फिस्कल कंसोलिडेशन का। व्हाट इज फिस्कल कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टेबल करना या फिर उसको मतलब नीचे बिठाना एक तरीके से। जैसे क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होती है? नीचे कंसोलिडेट करके बैठ जाते हैं। सिमिलरली जो होती है फिस्कल डेफिसिट को, फिस्कल को कंसोलिडेट करना मतलब इसको स्टेबल बनाना एक तरीके से कह सकते हैं। दिस इज स्टेबलाइजेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन में क्या होता है? इट मींस स्ट्रेंथनिंग द गवर्नमेंट फाइनेंस एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या चीजें की जाती हैं? दो तरीके होते हैं, एक होता है जहां पर रिवेन्यू साइड होता है कंसोलिडेशन करने का, और दूसरा होता है जो एक्सपेंडिचर साइड होता है। दिस इज एक्सपेंडिचर साइड। तो जो रिवेन्यू साइड है उसमें क्या क्या चीजें हैं, जहां पर आप कैसे आप फाइनेंसेस को बढ़ाएंगे, कैसे आप स्टेबलाइज करेंगे, कैसे इनकम को जनरेट करेंगे, रेशनलाइज करेंगे टैक्स को, जो भी टैक्स एग्जम्पशन है, जैसे कई लोगों को 5 लाख तक की एग्जम्पशन है ना, तो उसको एग्जम्पशन को हम रेशनलाइज करेंगे सही तरीके से लेकर के आएंगे, ताकि इक्विटी भी मेंटेन हो और साथ में हमारा फिस्कल फाइनेंसिंग भी मेंटेन हो। ठीक है, इसके अलावा इंप्रूविंग इफिशियंसी ऑफ टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन के लिए हम लोग ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट रखेंगे, जो लोग भी टैक्सेबल है उनसे टैक्स वसूला जाएगा, देखा जाएगा। इसके अलावा टैक्स स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, जिससे कि इन्वेस्टर्स स्टेबल पोजीशन देख करके हमारे यहां पे इन्वेस्टमेंट करें, मतलब दिस इज FDI या FII। ठीक है, तो ये चीज होती है। अच्छा, FDI FII से ध्यान आया, ये बताइए कि ये फिस्कल, हमारे फिस्कल जो पॉलिसी है उसमें किस में आएगा? क्या ये रिवेन्यू में आएगा या फिर ये कैपिटल में आएगा? ठीक है, इनकम तो है, दिस इज फॉर श्योर, दिस इज इनकम, लेकिन ये रिवेन्यू का है या कैपिटल का है? अगेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताना है। दूसरा आता है एक्सपेंडिचर साइड में, जहां पर आप जो होती है एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर रहे होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे होते हैं। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करने की जरूरत है, अदरवाइज हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, कट आउट नॉन एसेंशियल एंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जितनी भी सब्सिडी फालतू की है उनको हटाना पड़ेगा। रेशनलाइज सब्सिडीज, सब्सिडीज को ठीक ठाक करना पड़ेगा, हमें एक रेशनलाइज करने की जरूरत है। जो भी अलग अलग तरीके से एक ही व्यक्ति को 10 तरीके की सब्सिडी जा रही है, उसको हमें रेशनलाइज करके एक तरीके से देने की जरूरत है। इसके अलावा रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट ओवर रन। तो क्या है, समय को आप कम करिए, जितना भी प्रोडक्ट है। जैसे क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा टाइम तक चल जाता है, तो उसमें क्या होती है कि कॉस्ट उसकी ओवररन कर जाती है, पैसा बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट्स डेब्ट। अब गवर्नमेंट्स डेब्ट क्या है? कई तरीके की गवर्नमेंट की अपनी खुद की एक मतलब लायबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की अपनी डेब्ट होती है, अपना खुद का एक कह लीजिए कि लोन लिया जाता है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट। जैसे क्या होती है, हम लोगों ने जैसे क्या देखा था, लोन देखा था, इसके अलावा बॉन्ड पेपर देखा था, या ट्रेजरी पेपर बोल दीजिए, जो भी बोलना है, तो ट्रेजरी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सब जो चीजें होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, दीज आर लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज, या इसी को बोल सकते हैं हम डेब्ट। क्लियर, तो गवर्नमेंट लायबिलिटीज क्या क्या हो गई? इट हैज बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू अ डेब्ट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डिफाइंड एज पब्लिक डेब्ट एंड लायबिलिटी इन द पब्लिक अकाउंट अदर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज अदर लायबिलिटीज। तो क्लियर हो गया क्या चीज है कि अदर, मतलब कुल मिलाकर के यहां पर वही है, ये सब चीजों में से अगर कोई चीज रहेगी तो उसको हम लोग लायबिलिटी या डेब्ट कह सकते हैं उसको। अब इसमें ये चीज लिखी गई है पब्लिक डेब्ट। व्हाट इज पब्लिक डेब्ट? पब्लिक डेब्ट का मतलब सीधी सी बात है, आम जनता के द्वारा जो डेब्ट लिया गया है उसको बोला था पब्लिक डेब्ट। इसको दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक होता है जो इंटरनल डेब्ट होता है और एक होता है जो एक्सटर्नल डेब्ट होती है। इंटरनल डेब्ट का मतलब क्या हो गया, कंट्री के अंदर में ही, कंट्री के अंदर में जैसे बॉन्ड पेपर हो गया, ट्रेजरी पेपर हो गया, इसके थ्रू जो होती है सरकार ने अंदर से ही मतलब इकोनॉमी के अंदर से ही पैसा उठाया था, तो ये बन गया क्या, इंटरनल डेब्ट। इज अ डेब्ट टेकन फ्रॉम सोर्सेस विद इन द कंट्री बाय सेलिंग द ट्रेजरी पेपर लोन फ्रॉम द मार्केट। क्लियर। दूसरी होती है जो एक्सटर्नल डेब्ट होती है, जहां पे फॉरेन कंट्री या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू लिया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज NRI जो डिपॉजिट होती है, ये एक्सटर्नल डेब्ट के फॉर्मेट में आती है। क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बने हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल डेब्ट, बिकॉज ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द GDP ऑफ द कंट्री, ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन इंक्लूडेड इनटू एक्सटर्नल डेब्ट। क्लियर। इसके अलावा बायलेटरल और मल्टीलेटरल डेब्ट, टैक्स क्रेडिट, इन सब चीजों में आ जाएगा। रूपी डेब्ट का मतलब क्या है, जहां पर इट रिफर्स टू द पार्ट ऑफ इंडियाज टोटल एक्सटर्नल डेब्ट डिनोमिनेटेड इन रूपी।
तो जो भी डिनोमिनेटेड इन रुपी होती है, जैसे जो भी शेयर, जो भी डिबेंचर, या सो भी डिबेंचर तो नहीं कह सकते यहाँ पर, और बॉन्ड पेपर जो भी रुपी में डिनोमिनेटेड होते हैं उनको रुपी डेप्ट भी बोलते हैं। जैसे एक इसमें होता है मसाला बॉन्ड, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे भी मसाला बॉन्ड, दिस इज रुपी डेप्ट कह सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटेड इन रुपी होती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ अदर भी लाइबिलिटीज होती है, जैसे पीएफ वगैरह देना है आम जनता को, आरबीआई के डिपॉजिट्स देने हैं, अदर अकाउंट्स हो गया, तो ये सारी चीजें जो होती हैं लाइबिलिटीज में चली जाती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक फंडा होता है जिसको बोला जाता है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इसमें हम लोगों को चीजें सीखने को मिलेंगी। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब यह है कि जैसे देखिए, अगर ये रेशियो सपोज इंक्रीज कर रहा है, सपोज ये इंक्रीज कर रहा है, तो कब इंक्रीज करेगा, या तो डेप्ट आपका काफी बढ़ रहा हो या फिर आपकी जीडीपी घट रही हो, ठीक है, इन्हीं दोनों के थ्रू ही हमारा रेशियो बढ़ेगा। अगर डेप्ट बढ़ रहा है तो एक समय तक अच्छी चीज होती है, बिकॉज यू आर समवेयर यू आर क्रिएटिंग कैपिटल असेट, ऐसा मान करके बोला जाता है कि डेप्ट बढ़ रहा होगा। लेकिन जीडीपी का घटना दिस इज नॉट गुड, ठीक है, एक समय तक के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर हमें लेना पड़ता है लेकिन उससे ज्यादा ऊपर नहीं। तो हम लोग अगर इसको बेटर फॉर्मेट में लेकर के चले केवल कि ठीक है घट रही है लेकिन बेटर फॉर्मेट है, तो इंक्रीज का मतलब इस इंक्रीज को आप 20-30% तक अगर बोलते हैं कि इंक्रीज हो रही है, देन इट इज गुड फॉर इकोनॉमी, गुड फॉर इकोनॉमी। लेकिन इससे ऊपर अगर हुआ, मतलब 30% से जैसे ही ऊपर होता है वैसे ही क्राइसिस सिचुएशन आने का बहुत ज्यादा डर रहता है, क्यों, क्योंकि यहां पर आ सकती है रिसेशन। इन केस डेप्ट बहुत ज्यादा ही बढ़ गया तो सीधी सी बात है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस रहता है, जीडीपी वहां पे फॉल डाउन करने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो इस तरीके से हम लोग डेप्ट टू जीडीपी रेशियो के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। इनफैक्ट जब हम लोग एफआरबीएम एक्ट बात करेंगे तो वहां पर एनके सिंह कमेटी के बारे में बात करेंगे, और एनके सिंह कमेटी ने बोला भी था कि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को हमें 30% बना करके रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या चीज है। अब जरा आ जाते हैं इधर, गवर्नमेंट डेप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी या डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स। सीधी सी बात है, देखेंगे कि भाई कंट्री का डेप्ट कितना है, कंट्री की जीडीपी कितनी है, कितना हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। तो टू मेजर कंट्रीज एबिलिटी टू मेक फ्यूचर पेमेंट, आगे क्या होगी ऑन इट्स डेप्ट, इट अफेक्ट्स बोरोइंग कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट ईल्ड, ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अगर वो लिमिट में रहेगा तब तो चलिए ठीक है, हम लोग इसको रीपेमेंट कर लेंगे, लेकिन अगर वो लिमिट में नहीं है तो ग्रीस जैसी सिचुएशन हो जाएगी। ग्रीस में सेम इसी तरीके की फिस्कल डेफिसिट जो होती है वो क्रॉस कर गई थी 20-30% डेप्ट टू जीडीपी रेशियो नहीं, फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए, चला गया था 30%, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन हो गई थी ग्रीस में, बहुत भयावह स्थिति हो गई थी समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड का मतलब क्या होती है, बॉन्ड का मतलब मैंने आप लोग को बताया 100 रुपए आज आप देंगे तो 5 साल बाद हम लोग आपको 150 रुपए देंगे, दिस इज 5 ईयर, मतलब एक टर्म के बाद हम लोग क्या है इसको एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे। तो दिस इज एक तरीका का क्या है, बॉन्ड है, ठीक है। मसाला बॉन्ड तब बोला जाता है जब सपोज फॉरेन मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, अब फॉरेन मार्केट में कोई भी रुपए पे खरीदेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा, कहेगा यार ये तो उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट मनी है नहीं, उतना ज्यादा ये चलता फिरता अमाउंट नहीं है, तो इसलिए कोई भी बॉन्ड जो होती है गवर्नमेंट भी कोई भी बॉन्ड इस तरीके से रूपी में नहीं निकालती थी। तो ये निकालती किस में थी, या तो डॉलर में निकालेगी या यूरो में निकालेगी या जितनी भी P5 की कंट्रीज हैं उसमें निकालेगी। तो इसमें होता क्या था कि चूंकि डॉलर की वैल्यू हर रोज तो वेरी कर रही है, कभी कुछ हो रही है कभी कुछ हो रही है, कभी 60 है कभी 70 है कभी 80 है कभी 40 है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो रुपी की वैल्यू होती है चूंकि इसके साथ कनेक्टेड है इसलिए हमारा एक्चुअल रिटर्न नहीं निकल के आ पाता था। तो इससे क्या होता था, जो भी फॉरेन में इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें पैसा नहीं डालते थे, तो इस वजह से क्या होता था कि यहां पर मजा नहीं आता था इस बॉन्ड में। तो आईएफसी ने एक नया बॉन्ड निकाला जिसको बोला जाता है मसाला बॉन्ड। यहां पर क्या किया गया कि जो बॉन्ड है वो निकाला जाएगा डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी, डिनोमिनेटेड इन रूपी, मतलब क्या है, जो हम लोग डॉलर में पहले निकाल रहे थे और एक्सचेंज रेट की मार झेलनी पड़ रही थी अब वो रुपए में रहेगी। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है या इंडियन इन्वेस्टर है ही हैज टू बाय दिस बॉन्ड इन द रूपी डिनोमिनेशन। अब इससे हुआ क्या है, इससे जो अब ये एक्सचेंज रेट का जो भी ये खतरा है, एक्सचेंज रेट का जो भी एक्स्ट्रा ये प्रेशर है, ये अब झेलना पड़ेगा किसको, इन्वेस्टर को। अब ये गवर्नमेंट को झेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट अब सीधे सीधे रुपए में डील कर रही है और एक्सचेंज रेट का अब इनके ऊपर कोई डर नहीं है। इन्वेस्टर के ऊपर क्यों है, क्योंकि इनके पास पड़ा हुआ है डॉलर्स,
और डॉलर्स को एक्सचेंज करेंगे पहले रुपए में और रुपए के बाद ये इनको खरीदेंगे। लेकिन इन्वेस्टर का क्या है, इन्वेस्टर तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, सीधी सी बात है, उनमें हमें कोई भी कह लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है मसाला बॉन्ड। समझ में आ गया मसाला बॉन्ड का मतलब क्या है? तो मसाला बॉन्ड आर बॉन्ड्स इश्यूड बाई इंडियन एंटिटीज आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी नॉट फॉरेन करेंसी। क्लियर। द टर्म वॉज यूज बाई IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इवोक द कल्चर एंड क्यूजीन ऑफ इंडिया। अब जैसे क्या होता है, ऐसा नहीं है मसाला बॉन्ड जैसे इंडिया का है तो केवल और केवल इंडिया ने कोई नया जो होता है वो परचम गाड़ दिया, नहीं, चाइना ने पहले से ही अपना निकाल के रखा हुआ है बॉन्ड, बाकी के कंट्रीज ने भी इसी तरीके से अपना बॉन्ड निकाल के रखा हुआ है, जापान वगैरह ने भी निकाल के रखा हुआ है। तो वी आर ऑल्सो फॉलोइंग देम ओनली। लो कॉस्ट बॉरोइंग होती है, डाइवर्सिफाइड बॉन्ड होती है। अब देखिए इसी तरीके से कुछ और भी बॉन्ड्स होते हैं जिनको बोला जाता है ग्रीन बॉन्ड या फिर बोला जाता है ब्लू बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड होती है लेकिन ये होती है इंटरनल। इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर में ही इसकी खरीद बेच की जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रीन क्यों है, तो इस बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जितना भी यहां से प्रॉफिट या जो कुछ भी पैसा, जो भी मनी रेज किया जाएगा, इस सब का काम किया जाएगा केवल और केवल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। ग्रीन काम में किया जाएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में किया जाएगा, इसको बोलाता है ग्रीन बॉन्ड। तो ब्लू बॉन्ड क्या होती है, सेम जैसे एनवायरमेंट के लिए काम किया गया वैसे ही मरीन के लिए काम किया जाएगा, ओशियानिक एक्टिविटी, ओशियानिक प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाएगा, वो चलाएगा ब्लू बॉन्ड के रूप में। क्लियर हो गया क्या चीज है ब्लू बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड? ये इंडियन एंटिटी के द्वारा ही निकाला जाएगा और इंडियन रूपी में डिनोमिनेटेड में निकाला जाएगा और इंडियंस के लिए ही निकाला जाएगा। क्लियर। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में जो सीए लोग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोग इसको ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। जैसे एक चीज होती है जिसको बोलता है फिस्कल ड्रैग। व्हाट इज फिस्कल ड्रैग? फिस्कल ड्रैग के बारे में जरा समझिएगा। जैसे सपोज दिस इज पब्लिक, ठीक है, ये पब्लिक है और यहां पर गवर्नमेंट है, ठीक है, ये पब्लिक है और गवर्नमेंट है। पहले पढ़ लीजिए एक बार, फिर बात करते हैं। सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन पुशेस इनकम इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम टैक्स बट नो रियल इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। अब जैसे मान लीजिए कि इनकी इनकम जो होती है 1000 रुपीज थी, सपोज 1000 रुपीज है, ठीक है, सरकार इनसे क्या करती थी, 100 रुपए टैक्स ले लेती थी, अल्टीमेटली इनके पास बचा कितना, केवल और केवल 900 रुपए। होता क्या है कि इकोनॉमी अब बहुत बढ़िया हो गई है और इनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ करके अब बढ़ गई है 1200 रुपीज, परचेजिंग अच्छी हो गई है, 200 रुपए से बढ़ गई है। लेकिन सरकार भी क्या कर रही है कि ऐसा कर रही है कि चलो भाई तुमसे अब हम इनकम टैक्स जो 100 रुपए ले रहे थे अब हम लेंगे 200 रुपए। तो सरकार ने भी अपना बढ़ा दिया, 200 रुपए आपने घटा दिया, कितना बन गया 1000 रुपए। तो 1000 रुपए परचेजिंग बढ़ गई, नहीं बढ़ी नहीं, क्यों? क्योंकि मार्केट में पहले मान लेते हैं कि पार्ले जी ही अगर ले रहे हैं तो पार्ले जी जो पहले 5 रुपए का मिलता था, जिसके थ्रू अब जैसे 5 रुपए के हिसाब से 900 में डिवाइड कर लीजिए आप, कितना पार्ले जी खरीद लेंगे ये लोग, 180 पार्ले जी खरीद सकते हैं ये लोग। लेकिन अभी क्या है कि पार्ले जी ने भी अब क्या कर दिया कि अपना दाम 5 रुपए से 10 रुपए कर दिया, नाउ अब केवल और केवल 100 पैकेट्स खरीद सकते हैं। यानी कि इनकी जो परचेजिंग पहले 180 पार्ले जी की थी वो घट करके अब 100 पार्ले जी पे आ गई है। तो क्या इकोनॉमी कुछ बढ़ी है क्या? नहीं, टैक्स बढ़ गया है लेकिन परचेजिंग इनकी घट गई है या परचेजिंग इनकी कोई खास अंतर नहीं आया है। इसी को बोलते हैं फिस्कल ड्रैग, जहां पर एक्चुअल में परचेजिंग पावर में कोई बढ़ोतरी हमें नहीं देखने को मिल पाती है। तो सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन पुशेस इनकम इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट, हायर टैक्स ब्रैकेट में तो पहुंच गए, ये हायर टैक्स मतलब 200 रुपए पे बढ़ गए हैं, लेकिन रिजल्ट इन इनकम टैक्स बट नो इंक्रीज इन रियल परचेजिंग पावर, रियल परचेजिंग पावर में कोई भी अंतर नहीं आता, इसको फिस्कल ड्रैग बोलते हैं। नेक्स्ट होती है फिस्कल न्यूट्रलिटी, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर भी, नेट इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग न्यूट्रल रह जाती है। जैसे यहां पर क्या है, 1000 रुपीज हुआ, 100 रुपए टैक्स निकल गया और पहुंच गया आपका 900 रुपए पे। यहां पर क्या है, 1200 रुपए आपकी हो गई है टैक्स, टैक्स आपने बढ़ा करके 300 रुपए लेना शुरू कर दिया, अभी भी क्या हो गया 900 रुपए आपके पास बचना शुरू हो गया। तो ये भी क्या हुआ, कोई खास अंतर नहीं आया, दोनों देखिए सेम है। तो इसको बोलते हैं फिस्कल न्यूट्रलिटी, जहां पर नेट इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग न्यूट्रल हो जाती है, जीरो हो जाती है, बराबर पहुंच जाती है। इसके बाद आता है क्राउडिंग आउट का फंडा। व्हाट इज क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट का फंडा का मतलब होता है एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग कैन लीड टू श्रिंकेज ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, इट फोर्सेस द इंटरेस्ट रेट टू गो अप विच इन टर्न अफेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें होता क्या है, जैसे सपोज दिस इज आवर इकोनॉमी, हमारी ये इकोनॉमी है और यहां पर जो होती है गवर्नमेंट अभी मान लेते हैं कि गवर्नमेंट अपना वैट VAT, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये लगा के रखी है।
इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बढ़िया रिटर्न आ रहा है, लेकिन फिर क्या करती है गवर्नमेंट, कहती है नहीं नहीं हमको जीएसटी लेकर के आना है। इन्वेस्टर तुरंत सदमे में चले जाते हैं, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया यार, क्या चीज है, जो ये हंसता खासा चेहरा था, चांद सा चेहरा, ये अब डूब गया। अब यहां पर क्या हो गया, जीएसटी में भी हर रोज ये नए नए न्यू नॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। इन्वेस्टर कह रहे हैं कि ऐसा है अभी हम पैसा नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर अभी नया नया नियम कानून निकलते रहता है, अभी हम पकड़े जाएंगे, फिर हमारे साथ वोडाफोन वाला केस हो जाएगा, पैसा हमसे छीन लेंगे लोग। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, पैसा ये निकाल लेते हैं, स्क्वीज कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि यहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट का आ नहीं रहा है, तो पैसा हमारे पास क्या होती है कि बहुत ही लिमिटेड रह जाती है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब नया नहीं आ पाता है। तो ये जो इन्वेस्टर होते हैं बाहर भाग जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट सिचुएशन। क्लियर हो गया, एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या चीज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो मतलब फंडा है वो देखिए, पंप प्रिंटिंग। पंप प्रिंटिंग का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए दिस इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या है, बैंक से जाती है, पैसा लेती है, बैंक इनको लोन देती है, लोन देने के फॉर्मेट में इंडस्ट्री अपना नया इंडस्ट्री खड़ा करता है, नया इंप्लॉय को इंप्लॉयमेंट दे रहा होता है, और ये इंप्लॉयमेंट सैलरी लेकर के पहुंच जाते हैं बैंक में, पैसा दे देते हैं। लेकिन सपोज अगर ये बैंक पैसा ना दे तो इंडस्ट्री आगे इंप्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करेगी, इस तरह से बैंक वाले पैसा भी नहीं मतलब जमा नहीं कर पाएंगे ये लोग, तो ये क्या होता है कि ये पूरा का पूरा फेल्ड सिस्टम हो जाता है। और ये फेल्ड से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से पंपिंग करनी पड़ती है मनी की, पंपिंग ऑफ मनी, मनी पंपिंग, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पंप प्रिंटिंग, जो पूरा का पूरा विशेष साइकिल को खत्म करने के लिए जरूरी होता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वर्क्स इन एन अटेम्प्ट टू रिवाइव इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेशन, तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट का मतलब कुछ नहीं होता है, फिस्कल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले टॉपिक में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल आप लोग केवल और केवल लिख लीजिए कि वर्सनिंग ऑफ बोथ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट साइमल्टेनियसली इन द इकॉनमी इज नोन एज ट्विन डेफिसिट। दो तरफ से हमें घाटा होना शुरू कर दिया। नेक्स्ट होता है फिस्कल क्लिफ, काफी इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट 2012 के दौरान में यूएस इकॉनमी में बहुत ज्यादा ये फेमस में हुआ था, बहुत ज्यादा नेम फेम में आया था। हालांकि उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीए लोग ज्यादा पढ़ते हैं तो आप लोग इसको मतलब स्किप भी कर सकते हैं, बट एक बार जान लीजिए टर्म का मतलब। केवल फिस्कल क्लिफ रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपायरिंग टैक्स कट्स एंड अक्रॉस द बोर्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट्स, मतलब क्या है, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का ही तरीके का फंडा है, कि यहां पर लिमिट में होना चाहिए, 20-30% होना चाहिए, अदरवाइज क्या है रिसेशन का पीरियड आ सकता है। तो वही सेम चीज है यहां पर, देखिए समझ में आएगा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी है वो लगातार न्यू टैक्सेस इमर्ज करते जा रही है, न्यू टैक्सेस लगाते जा रही है, और न्यू टैक्सेस केवल और केवल जो होता है एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द क्लास पे लगा रही है, कि जिसकी इनकम 20-30 लाख से ज्यादा है केवल उन्हीं के ऊपर ये टैक्स लगेगा। तो ये क्या होती है, जो मतलब लोग हैं वो टैक्स देते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए टैक्स आप दे रहे हैं तो टैक्स देने पे अब इन्वेस्टर इसके बाद से डिफॉल्ट करना शुरू कर देता है। डिफॉल्ट करने पे क्या होता है कि आप सोच रहे थे कि आगे आपकी इकोनॉमी इस तरह से प्रोग्रेसिव होगी, बट क्या होता है फॉल डाउन हो जाता है, और ये पूरा एक क्लिफ, ये बन गया एक क्लिफ के तरीके से, दिस इज क्लिफ, और ये फॉल डाउन हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं फिस्कल क्लिफ, जहां पर एक्सेसिव लोन, एक्सेसिव टैक्स लेने के बाद अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि रिसेशन आ गया है, एक्स्ट्रा रिसेशन। और चूंकि यूएस गवर्नमेंट में कैपिटलिस्टिक है तो यही सब चीजें देखने को मिलती है। इंडिया में वी हैव नेवर सीन फिस्कल क्लिफ प्रॉब्लम, कभी हम लोगों ने देखा नहीं है। तो फिस्कल क्लिफ का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या चीज है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आज की क्लास के लिए आ जाता है बजटरी टेक्निक्स, क्या क्या चीजें हैं। तो बजटरी टेक्निक्स में आ जाती है जैसे इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग का मतलब जब भी आप बजटिंग को बढ़ा रहे होते हैं तो उसी को इंक्रीमेंटल बोलते हैं, मतलब इनकम को या तो आप रेस कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर को रेस कर रहे हैं, मतलब एनी हाउ यू आर इंक्रीजिंग दिस, बोथ द टर्म्स, इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग बजटिंग। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग टेक्स लास्ट ईयर एक्चुअल फिगर, लास्ट ईयर का डेटा लेता है और एड और सब्ट्रैक्ट कर देता है कुछ परसेंटेज से करंट ईयर में, और उसी को बोल देते हैं हम लोग इंक्रीमेंटल बजटिंग। क्लियर हो गया, इनकम को लिया जाएगा, बजट को मतलब एक्सपेंडिचर को लिया जाएगा, उसी में परसेंटेज चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट होता है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, ए बी बी, अगेन सीए वाले लोग ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है, सपोज कोई एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी अपनी सारी कॉस्ट को जोड़ना शुरू कर देती है, कुछ कॉस्ट होती है जो इसेंशियल होती है, दिस इज इसेंशियल, और कुछ कॉस्ट होती है जो ऑप्शनल होती है। इसेंशियल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरा का पूरा आपको वही करना ही करना पड़ेगा। ऑप्शनल में हमारे पास अगेन दो ऑप्शन हो जाता है, एक होता है जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है, और एक जो होता है कंपनी केवल और केवल लायबिलिटी के रूप में लेकर के चल रही होती है। जो लायबिलिटी के रूप में लेकर चल रही होती है वो हमारे लिए टैक्स क्रिएशन बन जाता है, और उसको हम लोग हटा देते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कर देते हैं,
अब बेनिफिशियल में क्या होता है, इसको हम लोग लेकर के कंटिन्यू आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस इज थ्रू एक्टिविटी, ये हम लोग एक्टिविटी के हिसाब से कर रहे होते हैं और इसीलिए बोला जाता है इसको एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। समझ में आया क्या चीज है? तो यहां पर देखिए वही चीज बोला गया, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज अ टॉप डाउन बजटिंग अप्रोच। मतलब एक प्रॉपरली लिख दिया जाएगा ये काम है, ये एसेंशियल है, ये ऐसी चीज है, वैसी चीज है, और अल्टीमेटली दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द टारगेट्स और आउटपुट्स सेट बाय द कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट होता है वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग। इसमें कुछ नहीं होती है, जैसे आपने एक्टिविटी लिखी है वैसे ही आप देखेंगे कि कौन सी कंपनी के लिए वैल्यूएबल चीज है, कौन सी कंपनी के लिए वैल्यूएबल चीज नहीं है, और उस हिसाब से आगे आप कट डाउन और चीजें को लेकर के चल रहे होते हैं। तो वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग इज रियली अ माइंडसेट अबाउट मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन द बजट डिलीवर वैल्यू फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो हमें क्या है, फायदा दे रही है कि नहीं दे रही है, उसी के बारे में होता है। लास्ट टॉपिक होता है जिसको बोला था जीरो बेस्ड बजटिंग। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं अपनी इंडिया की है, मतलब कंट्री है। ठीक है, कंट्री है। अब कंट्री में क्या होता है कि हम लोग हर साल का बजट लेते हैं, जैसे 2017 का मतलब जो एक्चुअल होती है, 2018 का एस्टिमेट लेंगे और 2019 का भी एस्टिमेट ले रहे होते हैं। तो हम लोग लास्ट ईयर की कंपेयर करते हुए इस ईयर को हम लोग निकाल रहे होते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है कि 2019 से ऊपर जितना भी चीज है हम लोग इसको खत्म करते हैं, हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, नए सिरे से स्टार्ट। जब आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे होते हैं नए सिरे से, तो उसी को बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। नाउ द बेस हैज बीन रिमूव्ड एंड नाउ वी आर लुकिंग इनटू द बजट इन अ न्यू वे, और इसी को बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स विद द अजम्पशन दैट ऑल डिपार्टमेंट बजट्स आर जीरो एंड मस्ट बी रीबिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। जीरो बेस्ड बजटिंग इज वेरी टाइट, aiming to avoid any and all expenditure that are not considered absolute essential to company's successful profitable operations. Clear हो गया सारी चीजें क्या हैं? तो this is how the thing is. हम लोगों ने पूरा budgetary management, पूरा fiscal policy देखा। इसमें हम लोगों ने एक topic FRBM Act का नहीं देखा है, उसको मैं अलग से भी include कर दूंगा, तो आप लोग उसको भी watch out कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने 2 बजे के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट होता है तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, ज्वाइन कर लीजिए, डाउट रेज करिए, उस पर अपने डाउट का सोल्यूशन दे दिया जाएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।